उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो करीबन एक साल तक तो मैं घर में रही, बिल्कुल धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी मैं। देहरादून में चलता है मम्मी की रसोई। रेखा नाम की महिला ने शुरू किया काम। पहले चलाती थी अपने टिफिन सर्विसेज, अपनी बेटी को देखकर आया आइडिया। पति के देहांत के बाद शुरू किया मम्मी की रसोई। मम्मी की रसोई के पास है सुंदर सेल्फी पॉइंट। किसी भी काम को शुरू करने के लिए नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ नाम हमेशा के लिए दिल दिमाग पर छप जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है मम्मी की रसोई। इस रसोई को शुरू करने के पीछे की कहानी बड़ी इमोशनल है। ये कहानी है देहरादून के रेखा की। काफी पहले अपनी टिफिन सर्विस चलाती थी, पीजी के बच्चों के लिए खाना बनाती थी। अचानक पति का देहांत हो गया तो परेशान हो गई। फिर अपनी 20 साल की बेटी को देखकर आइडिया आया कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और इस तरह शुरू हुई मम्मी की रसोई। इस रसोई में चाइनीज और इंडियन फूड मिलता है। मम्मी की रसोई में आपको लजीज खाने के साथ साथ एक सेल्फी पॉइंट भी दिखेगा। इसमें आई लव यू मॉम लिखा है। इसी के साथ यहाँ लिखी गई लाइंस आपके चेहरे पर कभी मुस्कान लाएगी तो कभी आपके आंखें नम कर सकती है, क्योंकि यह आपको आपकी माँ की याद दिला देगी। अगर आप इस रेस्टोरेंट के लजीज खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप सुभाष रोड पर मम्मी की रसोई रेस्टोरेंट पहुँच जाइए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने एक किचन स्टार्ट किया है, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, कहाँ से आपके दिमाग में आया ये करना चाहिए? एक्चुअली मैं पहले अपने घर से पीजी के बच्चों का खाना बनाती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो करीबन एक साल तक तो मैं घर में रही, बिल्कुल धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी मैं। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे मतलब बोला, मेरी बहन के बेटे ने, कि कुछ नया करते हैं जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आओगे और आपका इस काम में इंटरेस्ट है, खाने का आपको पूरा नॉलेज है। तो मैं जो है एक नया आउटलेट खोलने की सोच रहा हूँ, तो आप उसको देखना जिससे आप इस सबसे बाहर आओगे। ये आउटलेट पूरी तरह से मैं ही देखती हूँ, मतलब पूरी तरह से आप ही संभाल रहे हैं। रेखा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मम्मी की रसोई है आपके रेस्टोरेंट का नाम, तो क्या मतलब अलग सा ही नाम लग रहा है, और कहीं ना कहीं क्या माँ का खाना याद आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, कस्टमर यही बोल के जाते हैं कि आपका जो है पूरा नाम को जो है पूरा जजमेंट करते हैं। तो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है? आते हैं पंजाब के कस्टमर, आते हैं राजस्थान से, आते हैं देहरादून के, तो आते ही हैं, तो अच्छा है रिस्पॉन्स। लेडी पूरे परिवार को चला रही है, लोगों को क्या, क्योंकि कई महिलाएं इस तरह के वक्त से गुजरती हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं इसमें क्या है, मेरी बेटी का भी पूरा कोऑपरेशन है, वो भी बोलते कि ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, आप अपनी जॉब करिए, वो अपनी जॉब कर रही है, तो बिल्कुल मेरे को साथ में रखती है और पूरा कोऑपरेट करती है। लोगों की जिंदगी है, ये सब तो फेस करना ही पड़ता है। देखो जिंदगी और मौत तो एक जिंदगी की सच्चाई है, ये तो फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब जाने वाले को आप भूल नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी फिर भी आगे बढ़ेगी, है ना, ज़िंदगी नहीं रुकती। अभी वो चले गए, तो मुझे अपनी बेटी को तो देखना है ना। रेखा जी, जो कि मम्मी की रसोई के नाम से इन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किया था, 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं, लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है, और साथ ही जो है ये अपने परिवार को चला रही है और लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी भी क्रिएट कर रही है। अरुण समीनाज भी लोकलिटी